अस्सलाम वालेकुम, राइट साइड विद फेरी में खुश आमदीद। दूसरी किस्त पेश खिदमत है, जुल्मात से नूर का सफ़र। अरे तुमने तो अपने नाम की भी लाज न रखी, मीसम जानते हो कौन थे मीसम? राह हक की खातिर सूली चढ़ गए, खुदा और वली खुदा के इश्क में अपने खून में रंग गए, मगर राह हक से फरार न किया। आशिक खुदा के लिए सर का तन से जुदा होना नहीं, बल्कि सर का तन पर होना अजीब है, ऐब है। हक के परस्तार थे और इसी हक और हुदूद खुदा की पासदारी के लिए सर कटवाया, मगर ईमान का सौदा नहीं किया। और तुमने क्या किया? हक और राह हक के लिए, वली जमान के लिए मुसलसल रोते हुए और कामती आवाज़ से वह मुझसे सवाल पर सवाल कर रही थी। वह खुदा के जब तुम्हें खल्क किया तो खुद को मुबारक दी, फरिश्तों के सामने इफ्तिखार किया, मगर क्या तुम इस काबिल हो कि तुम खुदा तुम पर फ़ख्र करे? मुझे समझ नहीं आ रही तुम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो। शामीर ने मुझे वहाँ से प्लेग्राउंड की जानिब यूनिवर्सिटी के खारजी दरवाजे की जानिब खींचते हुए कहा। मैं जवाब सकते की हालत में था रुबाब की बातों पर। मैं वे हैरत हो गया, मैं ऐसा नहीं था कि किसी की बातों को दिल पर लेता, मगर रुबाब की बातों ने मेरे अंदर एक हलचल मचा दी थी। मेरे बचपन का वाक़या मेरे जहन में घूमने लगा। मेरी माँ जो कि शिया थी, माँ ने मुझे बताया था कि बेटा, मैंने तुम्हारा नाम अपने मौला के सहाबी के नाम पर रखा है, जिन्होंने माँ बहुत अकीदत के लहजे में मेरे बालों में ममता की मोहब्बत भरा हाथ फेर कर मुझे बता रही थी कि मैंने तुम्हें नाम रखने की इजाज़त दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जज्बाती और ख़ुद साख्ता कायद से इसका दिमाग ख़राब करो, मेरा इकलौता बेटा है। बाबा की गरजदार आवाज़ ने माँ को चौंका दिया। मेरे बाबा चूँकि अहले सुन्नत के फिका से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए अक्सर और बेशतर माँ और उनकी बहस चलती रहती। मैं इन सब बातों से बहुत दूर था, मेरी अपनी ज़िंदगी थी और मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ना दिया था। आज रुबाब की बातों ने माँ की अधूरी रह जाने वाली बात को मुकम्मल कर दिया था। उन्होंने मेरा नाम मीसम क्यों रखा? मेरे अंदर की कैफियत बदल चुकी थी। घर आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। माँ खाना खाने के लिए बुलाने आई तो मैंने थक्का होने और नींद का बहाना किया, दोस्तों के साथ खाना खा लिया था कहकर दरवाज़ा बंद करने का कहा। माँ चली गई और रुबाब की बातों ने मेरे अंदर शोर मचा दिया था। तुम इस काबिल हो कि खुदा तुम पर फ़ख्र करे? ये वो आखिरी सवाल था जो सोने से पहले मेरे जहन में था। सुबह उठा और बेदिली के साथ तैयार हुआ, गाड़ी में बैठा, यूनिवर्सिटी पहुंचा और क्लास में दाखिल हुआ। क्लास में टोलियों में तलबा की चहम गोयाँ हो रही थी। इससे पहले कि मैं कोई अंदाज़ा लगाता, शामीर और साद घबराए हुए मेरी तरफ आए और बुखलाए हुए लहजे में मुझसे कहा, मीसम रुबाब मर गई। रुबाब मर गई, मेरे सर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मुझे अपने कानों में साएं साएं होती हुई सुनाई दे रही थी। मैं जैसे मुंजमद हो गया था अपनी जगह पर। रुबाब की दोस्त मुझे देखते ही मेरे करीब आई, इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, गम और गुस्सा से मेरी नज़रें झुक गईं। ऐसा पहले मरतबा हुआ था कि किसी लड़की को देखकर मेरी नज़रें झुकी हों। मेरे दोस्त हैरत सदा थे मेरी हालत पर, मगर खामोश थे। लाइबा जो रुबाब की दोस्त थी, उसकी सिसकियाँ मेरे अंदर हलचल मचा रही थीं। पूछोगे नहीं कैसे मर गई? वो बुलंद आवाज़ से रोते हुए बोली। वो भी एक रात में, इसने सिसकियाँ लेते हुए मुझसे सवाल किया। मैं इस कदर शर्मिंदा और बेबस हो सकता हूँ, इसका तो किसी और को क्या। ये किस्त अभी जारी है, अगली किस्त के लिए ब्राइट साइड विद फेरी के साथ रहें। शुक्रिया।